अब मैं 3D Max में हमने छत के लिए जो ये पोर्शन बनाया था जिसमें हमने डोर और ये दोनों निकाले थे, ठीक है, डोर और विंडो। विंडो में ये है कि थोड़ा सा काम रह गया है, इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से और यहाँ से मॉडिफाई में आ जाता हूँ। यहाँ से मैं इसके पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके, अब कैसे मैंने इसकी विंडो निकाली थी आपने देख लिया है, लेकिन इसी को मैं जो है वो एक और तरीके से करता हूँ। यहाँ पर मैं एक इनसेट ले लेता हूँ, एक बॉर्डर सा आ जाए थोड़ा सा, चेक लगाया। अब आप क्या करेंगे, एज ले लेंगे, इसके दो पल्ले निकालने के लिए आप एक एज सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ले लें रिंग, ठीक है, आई होप मेरी वॉइस आ रही है। और यहाँ से आप रिंग जैसे करेंगे, रिंग करने के बाद यहाँ से आप कर देंगे कनेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करें, ये सेपरेटर आ गया। और अब आप पॉलीगॉन सेलेक्ट करके इन दोनों को सिलेक्ट करें, यानी दोनों सिलेक्टेड है। अब सिर्फ ये करोगे कि इसको इनसेट करते हुए, जब आप इनसेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करके इसको ग्रुप की जगह कर दोगे बाई पॉलीगॉन, तो ये ऐसे होगा। और बारीक से आप एक इसमें बना लेंगे इस तरह एक सेक्शन, चेक लगा दिया आपने। और ये खिड़की के दो पल्ले कह लें या दो उसके जो भी, और यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड करवा लें। आई होप इसको सेव कर लेना बेहतर होगा, कंट्रोल एस, और सिर्फ यही नहीं बल्कि यहाँ पे क्लिक करके सेव एस करके बिल्डिंग के तौर पे भी इसको सेव कर लें। जो आपकी ओरिजिनल फाइल पड़ी है USB के अंदर उसमें भी सेव कर लो, ताकि ये फिर से कोई मसला ना हो। और बिल्डिंग में बिल्डिंग के ही नाम से था, बिल्डिंग के नाम से था ना, यस। चलिए ये भी सेव हो गया। वैसे ऑटोमेटिकली सेव करते हैं जब ये खिड़की और दरवाजा बच गया, वरना आपने देखा था कि लाइट चली गई थी और ये इसको दोबारा मैंने कंटिन्यू किया। वॉइस का इशू था, वॉइस भी सही हो गई, वॉइस आ रही है। और अब आप समझिए ऊपर जो छत का हिस्सा है वो मैं बना रहा हूँ, और इसमें मैं इसको पहले एक्सट्रूड कर रहा हूँ। और एक्सट्रूड करके क्योंकि लाइट चली गई थी तो ये सारी चीज़ें दोबारा बनाना पड़ी मुझे, लेकिन कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा अंदर की तरफ किया, इसको चेक लगाया और इसको इंसर्ट कर देता हूँ। पहले इंसर्ट करता हूँ, ये भी हुई बाई पॉलीगॉन। आप इंसर्ट करेंगे, खिड़की के दो शीशे बन गए, चेक लगा दिया उसको, ठीक है। और इसको भी आप एक्सट्रूड करेंगे थोड़ा सा अंदर की, बल्कि थोड़ा सा बाहर की तरफ, मामूली सा शीशा है, तो चेक लगा दिया आपने। मटेरियल अभी फिलहाल इसको बन गया, मैंने यहाँ से एम प्रेस किया, अभी तो वाइट मटेरियल ही लगा देता हूँ उसके ऊपर, बाद में इसमें टेक्सचरिंग वगैरह होगी। तो ये हमारे पास रेडी है ये पोर्शन। टंकी के लिए भी हम इसी में से निकाल लेंगे कैसे। अभी अब मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ अनहाइड ऑल, जैसे पहले आपने वीडियो में देखा, दोबारा से मैंने अनहाइड ऑल किया। और इस पूरे सेक्शन की, यानी कि इसका रूफ, इसकी बॉडी, इसका डोर, इसकी विंडो, कंट्रोल दबा के सबको सेलेक्ट किया, मूव टूल लिया और शिफ्ट दबा के इसकी कॉपी लिए मैंने, इसके बराबर में आ जाएगी ये। बस इस वाले पोर्शन में आपने डोर हटा देना, सिलेक्ट करके डिलीट कर दें और विंडो उसमें से हटा देंगे। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, सेव कर लें साथ साथ, थोड़ा सीन हैवी हो रहा है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इस वाले पोर्शन को है ना, मैं ये विंडो मैंने डिलीट कर लिया, ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया। तो ये टंकी वाला पोर्शन हो गया, मेरे ख्याल से यहाँ तक रखते हैं आज के लिए, और ये काफ़ी सारा हो गया और हमने कुछ इतना बना लिया, ये जहन रखिएगा और यहाँ तक ही रखते हैं। आगे चल के फिर मज़ीद इसमें चीज़ें ऐड करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें भी बाकी हैं जो इसमें लगनी है। और इसको हम सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, और उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज की वीडियो में शुरू में मैं अपनी आवाज़ दे नहीं पाया था, तो उसमें छत का जो पोर्शन है ऊपर के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर है, यानी जो गार्ड्स का कमरा कह लें आप, एक बराबर में टंकी, हमने आपने देखा पानी की टंकी भी लगाई है, और ये सारा पोर्शन हमने आज कंप्लीट किया। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।